सुबह 9 बजे। वाह बंदन, निकाल दी बाइक, निकाल दी। नमस्ते नमस्ते। कैमरा कूमरा बड़ा लग गया है अंदर के आगे। हां चले। हां ज्यादा समय तो आज हम जा रहे हैं सतफुल। चले हैं अच्छा बैग अपने बीच में आ जाएगा। एक पीठ में ले ले। एक तो ले लिया पीठ में। अच्छा ये टमाटर सब्जी वाला बैग है। ओके ओके, टमाटर बहुत रिहाई है ना आजकल। चले चलो। तो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। ओ भाई, आई होप यू ऑल गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। हाँ जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। ये देखो, इस बार बारिश ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। काफ़ी पड़ते हैं, कुत्ते दौड़ते हैं, इनका कुछ रहता है बाइक के साथ। ये गड्ढा क्यों खोद दिया चायल मार्केट में? ये क्या हुआ? ये देखो भाई कितना गिर गया यहाँ से। यहाँ पे पूरा सड़क चला गया रे है। लंबा, बहुत लंबा क्रैक आया यहाँ पे। वाटरफॉल को कैप्चर कर लेते हैं। सीजनली है बेचारा ये भी है ना, उसमें गर्मियों में तो सूख जाता है भी। यहाँ फोटो खींचना सख्त मना है। नहीं हमने तो वीडियो बनाई है, हमने फोटो नहीं खींची। क्या चाहिए भाई को? कैंसर वाली दवाई? हाँ वो तो चहल रोड पे है, 10-12 किलोमीटर। यहाँ थोड़ा ब्रेक ले ले, हम कार वाले करते नहीं ना गौर। तो आज हमारे साथ नया राइडर, देखो हमारे साथ फिलियन। कैसा लग रहा भाई साहब? मज़ा आ रहा है ना? और यही मज़ा हम सारे भारतवासियों को दिलाना चाहते हैं। वो देखो तीन तीन मज़े ले रहे। बिल्कुल टमाटर ख़त्म हो गई, पर पैसा कमा लिया होगा इन्होंने अभी तक तो, इतने ज़्यादा रेट में। क्या है चिमक? चिमक भी है, टॉफी भी। तो क्या खाएं? तो अभी हम यहाँ पे रुके थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। हेलमेट दिखाइए ज़रा, कैसा लग रहा है? पायलट की पैराग्लाइडिंग वाला ठीक है, हैबिट होनी चाहिए बाइक पे चलते समय ना। चले देखो कितने बड़े बड़े भयानक स्ट्रक्चर है ना बनाए हुए। पुलिस वालों ने रोक, पुलिस वालों ने रोक दिया है इनको। बड़े बुरे हाल है रोडों के, पहाड़ियाँ दरक चुकी है। फोर लेन का जो एक साइड का है पूरा ही ठप है, पूरा ब्लॉक्ड है। इतने बड़े बड़े पत्थर, क्या भयानक पत्थर है ना। तो ऐसा कुछ फ्लाईओवर का यहाँ पे अब काम, अब तो यहाँ से काफ़ी इन्होंने रैंप देना शुरू कर दिया है धीरे धीरे धीरे। और यहाँ पे ये देखो अभी फ्लाईओवर इतना रेडी है, अभी ऊपर से तो कुछ लग रहा है अभी बना नहीं है अभी खास। 3 hours later। ओह बहुत जद्दोजहद के बाद थोड़ा बहुत सामान लिया है। ये देखो ये 2-3 बैग है, हैं 2-3 बैग है कुछ सामान इसमें। तो बाइक पर ले जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो भाई है तो साधु बोलते कि जाएगा। मैं क्या करूँ कि हमारी गाड़ी है, ट्रक है, उसमें डालता हूँ मैं। यहीं पे काम करवा रहे हैं, सरकारी छुट्टी होगी, अब रश पड़ेगा सड़कों पे। अरे पिट्ठू तो तू लेने वाला है। तू नहीं ले गए? हाँ ये हाथ में आएगा यार। बाइक पे शॉपिंग नहीं हो सकती। चले? नहीं भाई नहीं, शहरों की गर्मी नहीं सह सकते हम, बाकी को सहना सहे। तो ट्रक में डालते हैं सामान, उसके बाद रिलैक्स होके हल्के होके निकलते हैं घर की ओर। देख पिंका पिंका पे यार, ट्रक इसमें डालते हैं सामान, पहुंच जाएगा आराम से। A few moments later. तो सामान रख दिया हमने और यहाँ पे चाय पिए। चलो भाई निकला जाए अब, क्योंकि मौसम होने वाला है ख़राब और अपने धुल जाएगी दाल। पास को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर बहस बसाई होती हुई। वो बोरा कि कच्चे में नहीं उतारूंगा, सरकारी बस वाला बोला कि बाहर जान दे बाहर। ओह हेडेक हो रहा यार।
तो अभी तक तो हम दो बंदे थे विद विलियन, मैं राइड कर रहा था, और अब यहाँ से हो जाएंगे हम सिंगल। तो जो कुलभूषण उर्फ काका है दीपलू के रूम में जाएगा, वो अकेला है, उसकी मम्मी नहीं आई है। कमरे में होगा, दिव्यांश के रूम में रहेगा भाई, वो अकेला है अभी।